भैया आप बताइए, जो भी लोग इंडिया से आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो यहाँ पर आने के लिए उनको कुछ परेशानी तो नहीं होगा? जैसे कुछ सामान लेना हो, मिर्ची मिल जाएगा और भिंडी जी, तो आप जलेबी वगैरह खाते हैं, चलो तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इंडियन सुपरमार्केट में ले जा रहा हूँ। तो जितने लोग भी, जिनका भी डाउट रहता है कि वहाँ पे सामान मिलते हैं कि नहीं, वेजिटेरियंस का सामान और फिर जो भी इंडियन का ग्रॉसरी है, जैसे आटे चावल, आटा हो गया, चावल हो गया, मसाले हो गए, खाने पीने का मिठाई हो गया, जैसे भुजिया हो गए, नमकीन हो गए और जलेबी वगैरह, तो सब ए टू जेड आपको मिलते हैं सामान इंडिया से। और सब्जी भी चाहिए, मिर्ची, भिंडी, सब कुछ, करेला, सब कुछ ए टू जेड मिलता है यहाँ पे। मैं अभी शॉपिंग करने जा रहा हूँ क्योंकि आज वीकेंड है तो मेरे को शॉपिंग करने का है, तो आपको वहीं पे ले जाता हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे शॉप्स, लेकिन कुछ शॉप्स हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा कूपन्स काम करता है, जैसे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इंडेक्स, वहाँ पे है ना वो मेंसा कार्ड, जैसे यूनिवर्सिटी का कार्ड है, वो काम करता है, तो इसीलिए ज़्यादा करके स्टूडेंट्स मतलब यहीं पर आते हैं। तो बस किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेने का है और आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत से लोग पूछते थे मतलब ये मिलेगा कि नहीं, वेजिटेरियन सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, सामान मिलेगा कि नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन मिल जाएंगे हर एक सिटी में। मैक्सिमम जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं दुनिया के, आपको इंडियंस के ग्रॉसरी शॉप्स और इंडियन के स्टोर ज़रूर मिल जाएंगे, तो इंडियंस कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो बस चलिए आपको दिखाते हैं अब। तो ये यहाँ का इंडियन एक का मार्केट है, ये इंडियन का मैं सब में बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, इंडिया का सब प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से सामान मिलते हैं, तो कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ए टू जेड आपको मिल जाएगा, आटा से लेके चावल, मसाले वगैरह सब कुछ। तो ये इंडेक्स है, मिलान में है, तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो अभी सीज़न चल रहा है आम वगैरह का, तो आपके आपको आम मिल जाएंगे और फ्रूट्स देख लीजिए, पपीता है और यहाँ के कुछ लोकल फ्रूट्स हैं, और इधर देख लीजिए सामान जो भी है, टमाटर, अदरक, प्याज वगैरह, आलू और बाकी के सब मिल जाएंगे। और चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये अंदर से इसका देख लीजिए, और यहाँ पर आपको सब जो भी बॉडी के प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए सब आपको मिल जाएंगे, फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं। अंदर दिख रहा है समोसे वगैरह हैं और कई आइटम आपको सब मिल जाएंगे, या ड्रिंक्स वगैरह थोड़े से हैं, तो मैं आपको ड्रिंक्स नहीं दिखाने जा रहा। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा ए टू जेड आपको कुछ इंडिया से इम्पोर्टेड के वेजिटेबल्स, राइट। तो देखिए यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स इन्होंने बहुत सारे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए खीरा है, गाजर, वन मोमेंट, यस थैंक यू। और यहाँ पे हम लोगों को पूरा मिर्ची मिल जाएगा और भिंडी, बीन्स, सहजन, ये बीन्स, और यहाँ पे देखिए लड्डू, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। लड्डू और ये इसका रसगुल्ला, गुलाब जामुन और नारियल का पानी, नीम का जूस, आंवला का जूस, सब कुछ ए टू जेड मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और इधर कुछ प्रोडक्ट्स हैं बाकी, जैसे तेल वगैरह हो गए और कुछ स्टब्स ऐसे जो देखिए, चूरा भी मिल जाएगा आपको, चने, चना, चूरा, बहुत सारे अचार मिल जाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सारे के सारे राइस के बैग्स हैं, डिफरेंट वेराइटीज वगैरह हैं। तो बस आइएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, बस सब कुछ आपको आराम से मिल जाएगा, तो आपका डाउट इसमें सब पूरा क्लियर हो जाएगा सब। और यहाँ पर देखिए सोयाबीन वगैरह, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, मिर्ची हो गया, और यहाँ पर देखिए डिफरेंट वेराइटीज के राइस हैं, और यहाँ पे पूरा मसाले का सेक्शन है, तो जितने भी साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस है सबके सब आपको मिल जाएंगे मसाले ए टू जेड। सॉरी, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इधर स्नैक्स के आइटम्स हो गए,
बिस्किट कुकीज डिफरेंस और सीड्स आइटम बीन्स हो गए, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बीन्स वगैरह पूरे ए टू जेड मिल जाएंगे आपको, मसाले जो भी आपको चाहिए, ग्रीन टी जिस जैसा सब यहाँ पे मिलता है। और इतने सारे राइस के वेराइटीज हैं। और इधर देखिए खुले में राइस है तो 1 kg के हिसाब से मिलता है, 5 kg का मिलता है, दाल मिलते हैं, सब कुछ ए टू जेड मिल जाएगा यहाँ पे, बस किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, सब ए टू जेड मिल जाएगा आपको, पूरा दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स और इधर आपको दिखाते हैं, ये देखिए जलेबी, तो आप जलेबी वगैरह खाते हैं जलेबी भी मिल जाएगा यहाँ पे। और ये कुछ लिखा है क्या, पापड़ जो भी है, और कुछ स्नैक्स आइटम्स देख लीजिए, कुछ स्नैक्स आइटम भुजिया वगैरह जो अपने यहाँ मिलता है वगैरह, भुजिया नमकीन वगैरह वगैरह सब के सब मिल जाएंगे। तो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, सब ए टू जेड आपको मिल जाएगा, बस आते वक्त 1 हफ्ते के लिए लेकर आइएगा, बस उतना चल जाएगा। वो दिख रहा है आपको नमकीन, ढेर सारे नमकीन बंस, और यहाँ पे रेडीमेड आपको पनीर मटर मसाला मिल जाएगा, पालक पनीर, राजमा मसाला, बटर वगैरह सब कुछ ए टू जेड। तो बस यही सब है। और कुछ फ्रोजन आपको आलू के पराठे मिल जाएंगे, सिर्फ आपको बनाने के लिए रहेंगे। और कुछ यहाँ पे पकौड़े मिल जाएंगे, तो ऐसे हैं। और यहाँ पे छुहाड़े वगैरह, तो ऐसे आपको सब ए टू जेड मिल जाएंगे, तो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, तो ये भैया हैं, यही पूरा दुकान को अच्छे से देखते हैं। भैया आप बताइए, जो भी लोग इंडिया से आते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, तो यहाँ पर आने के लोगों को कुछ परेशानी तो नहीं है, जैसे कुछ सामान लेना हो? परेशानी नहीं है, सब कुछ इधर मिलता है। और कुछ चाहिए ऑर्डर करने के लिए बाद में 2-3 दिन बाद हम लोगों को, मतलब किसी कोई भी स्टूडेंट को परेशान नहीं है, स्पेशली खाने पीने में आराम से सब कुछ मिल जाता है, आराम से सब कुछ मिलता है। और इतने छोटे से दुकान में बहुत से इन्होंने कलेक्शन किया जैसे आपने देखा है, ठीक है, तो बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ए टू जेड मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो चलिए रखते हैं, बाय।